कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे भारत के प्रयासों को बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। कोरोना केसेस डबल होने में अब ज्यादा वक्त लग रहा है। इतना ही नहीं, अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक भारत में इस बीमारी से मरने वालों की दर दुनिया में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक कोरोना मरीजों की डबलिंग रेट, रिकवरी रेट और डेथ रेट तीनों मोर्चों पर भारत के लिए गुड न्यूज है। देश का डबलिंग रेट यानी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद दोगुनी होने की दर लॉकडाउन से पहले 3.4 दिन थी, जो अब बढ़कर 12 दिन हो गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि पिछले 14 दिनों में हमारा डबलिंग रेट जो 10.5 दिन था, वो पिछले 7 दिनों में 11.7 दिन हो गया और आज सुबह 12 दिन हो गया है। अच्छी बात ये भी है कि कुछ राज्यों का डबलिंग रेट राष्ट्रीय औसत से भी कहीं ज्यादा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु और पंजाब में 12 से 20 दिन का डबलिंग रेट है। कर्नाटक, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड और केरल में डबलिंग रेट 20 से 40 दिन के बीच है। वहीं असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में डबलिंग रेट 40 दिन से भी ऊपर है। देश में फिलहाल 319 जिले ऐसे हैं जो बीमारी से प्रभावित नहीं हैं। 130 जिले हॉटस्पॉट हैं और 284 जिले नॉन हॉटस्पॉट हैं। तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना के मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। इस तरह देश में इस बीमारी का रिकवरी रेट 26% हो गया है। इस मामले में केरल में 78% रिकवरी रेट देखने को मिली है। तमिलनाडु में 52% मरीज या तो रिकवर हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। वहीं तेलंगाना और राजस्थान का भी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। यहां 42% मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में करीब 31% और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट 28% देखने को मिली है। पूरे देश की बात करें तो 15 दिन पहले रिकवरी रेट केवल 13.06% था। इससे पता चलता है कि रिकवरी रेट के मामले में देश को तेजी से कामयाबी मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना पीड़ित रहे 10,632 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों की तादाद 1301 हो गई है। हालांकि इस मामले में बड़ी बात यह है कि हमारा मॉर्टेलिटी रेट 3.2% है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। भारत में कोरोना से दम तोड़ने वाले करीब 78% मरीज किसी न किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन अब तेजी से ठीक होने की दर ने कोरोना वॉरियर्स के साथ ही देश के करोड़ों लोगों में नए उत्साह का संचार कर दिया है। हर दिन में बन रही हैं 2,00,000 पीपीई किट। 2 महीने पहले तक भारत में पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बनाने वाली एक भी कंपनी नहीं थी, लेकिन पिछले 2 महीने में 100 से ज्यादा ऐसी कंपनियां तैयार हुई हैं जो पीपीई किट बना रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक जिस देश में पीपीई किट और N95 मास्क बाहर से आयात करने पड़ते थे, आज वो एक दिन में 2,00,000 से ज्यादा पीपीई किट बना रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि अब तक 50,00,000 से ज्यादा N95 मास्क और 20,00,000 से ज्यादा पीपीई किट देश में बट भी चुके हैं। अब रोजाना 70,000 से ज्यादा टेस्ट। कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए भारत अब तक RT-PCR 10,00,000 जांचें कर चुका है। ICMR के मुताबिक अब तक 10,40,000 जांच की जा चुकी है। अकेले शुक्रवार को ही 73,709 टेस्ट किए गए हैं।
पिछले दो महीनों में कोविड 19 जांच में काफी बढ़ोतरी हुई है। ICMR के मुताबिक 31 मार्च तक 47,852 नमूनों की जांच की गई थी, जबकि 30 अप्रैल तक कुल 9,02,654 नमूनों की जांच की जा चुकी थी। शुरुआत में केवल पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की लैब में ही कोविड 19 की जांच शुरू हुई थी और लॉकडाउन की शुरुआत में 100 प्रयोगशालाओं में जांच होने लगी। लेकिन अब RT-PCR जांच के लिए आज 310 सरकारी और 111 निजी टेस्टिंग लैब विकसित हो चुकी हैं। कोरोना वॉरियर्स को फ्रंटलाइन वॉरियर्स की सलामी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे देश के फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों को देश की तीनों सेनाओं ने अनोखे अंदाज में सैल्यूट किया है। जम्मू से कन्याकुमारी और शिलोंग से लेकर कच्छ तक सेवा में लगे इन कोरोना वॉरियर्स पर सेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए फूल बरसाए गए। साथ ही आर्मी के बैंड्स ने हॉस्पिटल्स के सामने डॉक्टर्स के सम्मान में बैंड बजाकर सलामी दी। दिल्ली के पुलिस मेमोरियल, LNJP हॉस्पिटल, एम्स, लखनऊ के KGMU, हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल जैसे देश के अलग अलग अस्पतालों के ऊपर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के विमानों ने उड़ान भरकर फूल बरसाए। जब आसमान से विमानों ने यूं फूल बरसाए तो नीचे खड़े इन कोरोना वॉरियर्स की खुशी का ठिकाना नहीं था। इन सभी ने सेना की इस सलामी का खुले दिल से स्वागत किया। भारत की MW वैक्सीन का पहला फेज सफल। कोरोना वायरस को मात देने के लिए PGI चंडीगढ़ में MW वैक्सीन पर शुरू हुए ट्रायल का पहला फेज कामयाब रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि PGI इस वैक्सीन को 3 महीने में बना लेगा। इसके सुरक्षा ट्रायल में जिन मरीजों पर इसका प्रभाव चेक किया गया है वो सभी सुरक्षित हैं। इसलिए ट्रायल को आगे जारी रखते हुए इसे 40 मरीजों पर शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। इस दवा को भारत की कैडिला कंपनी बनाती है। MW वैक्सीन को कोरोना के इलाज के लिए ट्रायल के रूप में प्रयोग किए जाने में CSIR के वैज्ञानिक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले इस वैक्सीन का प्रयोग PGI के पल्मोनरी सेप्सिस के मरीजों पर ट्रायल के रूप में किया जा चुका है। इसके परिणाम संतोषजनक आए हैं, इसलिए उम्मीद है कि कोरोना के इलाज में भी ये वैक्सीन कारगर साबित हो। MW वैक्सीन इम्यूनो मॉड्यूलेटर की श्रेणी में आती है, जिसके प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। भारत ने इजाद किया कोरोना टेस्ट का नया तरीका। भारत के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने कोरोना टेस्टिंग के 2 नए मेथड डेवलप किए हैं, जो कोविड 19 टेस्ट करने के दौरान एक्टिव फॉर्म में लैब में ले जा सकते हैं। इससे पहले भी ये इंस्टीट्यूट कोविड 19 से लड़ने के लिए कार्य कर चुका है। केरल के इस शोध संस्थान ने इससे पहले कोविड 19 के लिए तेज और सस्ता टेस्टिंग किट चित्रा जीन लैम्प एन विकसित किया था। ये वायरस के एन जीन का पता लगा लेता है, जो वायरल न्यूक्लिक एसिड या RT लॉरेट तकनीक के रिवर्स ट्रैप लूप का उपयोग करता है। इस किट को दुनिया में RT लैम्प तकनीक का उपयोग करके कोविड 19 वायरस के एन जीन के लिए पहले कुछ पुष्टिकारक निदान परीक्षण में से एक माना जाता है। नई टेस्ट किट का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत तेज है। संस्थान के मुताबिक 10 मिनट में ये पता लगाने में सक्षम और परिणाम 2 घंटे से भी कम समय में सामने आ जाता है। आपको बता दें कि ICMR के मुताबिक फिलहाल भारत हर दिन 1.25 लाख कोरोना टेस्ट करने की क्षमता रखता है, जो 2 महीने पहले सिंगल डिजिट में थी।